फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपका जो कल से आपका एग्जाम होने वाला है विज्ञान विषय का, उससे पहले फ्रेंड आपके लिए मैं आपको 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको 100% यहां पर लड़ने वाला है। आपका इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आपको कल के एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी से आप अपने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। जितने भी आपके फ्रेंड इस बार मैट्रिक के एग्जाम दे रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो पहला का आंसर यहाँ पर हो जाएगा टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो पहला का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कल एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। आप लोग सभी क्वेश्चनों का सही से जवाब दे देंगे कि आप VVI क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दूसरा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। निम्न में से बोल रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो C2H4 हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, इनमें से सब यानी कि इथेनॉल प्रोपेनॉल इथेनॉल यानी कि तीनों यहाँ पर आपका यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो चौथा का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, आहार श्रृंखला का निर्माण करता। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका बी नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घास बकरी तथा मानव। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो पांचवा का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 4, यहाँ पर मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। उसके बाद है सिक्स नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी कि सिक्स नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, अपचयन हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। तो सात नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, यानी कि इसमें आपको बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जो जिंक जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्यों होता है। तो आठ का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसी के लिए यहाँ पर टीन का लेप दिया जाता है। उसके बाद है नाइन नंबर क्वेश्चन है निम्न में निम्नांकित में से कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो नाइन नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रा, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। दस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो तांबे की तार में एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर टेंथ का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आधे हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन बोला कि सल्फर परमाणु की बरहमतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 11 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि आपका सल्फर परमाणु के बरहमतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीकरण के कितने परमाणु होते हैं। तो 12 नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 6 होते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखा गया बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, यानी कि 13 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर पी रस कहाँ से स्रावित होता है। तो 14 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यकृत से,
पीत रस का स्राव होता है। और उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, यानी कि 15 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लाज्मा जोडियम, प्लाज्मोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का मलेरिया परजीवी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 नंबर, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो 16 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया जो कहा जाता है उसका नाम है यहाँ पर 16 का एरोडीकरण, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, तो यानी कि सामान्य नेत्र से आपको आंख से देखने के लिए दूरबिंदु कितने सेंटीमीटर का होगा, तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर देख लेते कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो 18 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद 19 नंबर, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो 19 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्मोकोल, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। 20 नंबर है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किस लेंस का यहाँ पर दूरी धनात्मक होती है, तो यहाँ पर 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस का यहाँ पर फोकस दूरी धनात्मक होता है। 21 नंबर है क्वेश्चन, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है, तो 21 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो 22 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मृत जीवी आपका इसमें पाया जाता है कवक में पोषण। उसके बाद है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो यहाँ पर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए I²R। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो 24 का यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी दिमाग आपका आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो आपका आंसर है दिमाग। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो 25 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है सामान्यतः वाहनों में, तो 25 का आंसर यहाँ पर है आपका सी उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः वाहनों में। उसके बाद है 26 नंबर, किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया लाल नीला पीला बैगनी, यानी कि किस रंग का वर्ण रंग यानी तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है किस कलर का, तो 24 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाल, यानी कि आप देख सकते हैं लाल यानी कि बहुत दूर से भी आपको लाल कलर का जो भी रंग होता है सबसे पहले दिखाई देता है। उसके बाद है 27 नंबर, तो समजात अंगों का उदाहरण है, तो 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए यानी कि हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद समजात अंगों का उदाहरण होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी बायो मास हो जाएगा आपका उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो 29 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी अंडाशय हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, तो 30 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो यहाँ पर आप बाह्य के नियम आपको पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आपको 30 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है संकेत करता है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो 31 का यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ये गंगा में मछली पालन यहाँ पर गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो 32 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पुंकेसर। उसके बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो 33 का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। उसके बाद है 34 नंबर, विरंजक चूर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो 35 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्षार, यानी कि क्षार आपका पदार्थ को लाल लिटमस को नीला कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो 36 का आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, आंख का रंग हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 होता है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 38 नंबर, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 38 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका C2H4 कार्बन का सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा, दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो एक अबंध बनते हैं। उसके बाद है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा वाट बटे घंटा। तो ये है 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मैंने दिया है फ्रेंड कल के एग्जाम के लिए, जो आपका कल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ पूरा देख लिए होंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं कोई भी हो फ्रेंड आपको जो कल एग्जाम देने वाला है उनके पास ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड कल से आपका जो भी एग्जाम देंगे उसका मैंने आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर की देने वाला इसी चैनल पर अपलोड होगा। एग्जाम जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है वैसे ही आपका यहाँ पर आंसर की आपको अपलोड किया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा सभी राइट क्वेश्चन, आपको राइट क्वेश्चनों का आंसर देने दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको वीडियो मैं लेकर आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।